विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही लोकतंत्र के सेनानियों का उनके पेंशन को कानूनी दर्जा दिलाने का बिल भी अटक गया है। इसका कारण हालांकि ड्राफ्टिंग में कमी बताया गया, लेकिन इसके पीछे लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों वाली या फिर उनकी तर्ज पर सुविधाएं देने को लेकर कानूनी आधार पर परीक्षण इसकी खास वजह मानी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। हर बार जब भी भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो DIR और मीसा बंदियों की पेंशन और अन्य सुविधाएं बहाल होती हैं और कांग्रेस सरकार के सत्तारूढ़ होने पर ये सुविधाएं वापस ले ली जाती हैं। इस पीड़ा को समझते हुए भजनलाल सरकार अब लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान करने जा रही थी, लेकिन इस मंसूबे पर पानी फिर गया। इसके क्या रहे कारण, इसको देखा जाए तो दरअसल इसके नियम प्रावधान निश्चित करने की ड्राफ्टिंग में कमी मानी जा रही है। हालांकि बार बार बताई गई कमी की विभाग की ओर से पूर्ति कर दी गई थी, साथ ही विधि विभाग ने भी इसका कई बार परीक्षण करके भेजा था। इस बिल के तहत लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन के रूप में 20,000 रुपए प्रति माह और चिकित्सा सहायता के रूप में 4,000 रुपए तक की राशि देय होगी। इस बिल में लोकतंत्र सेनानी के साथ उनकी पत्नी को रोडवेज यात्रा की सुविधा देय होगी। पहले इन सुविधाओं को कैबिनेट के जरिए नियम संशोधन का अनुमोदन करके रोका जाता रहा है, लेकिन इस बिल के आने और पास होने के बाद बिल लाकर ही इन सुविधाओं को रोका जा सकता है। 25 जून 2024 को जो सम्मानित हुए लोकतंत्र सेनानियों के आंकड़े को माना जाए तो यह कुल संख्या 1,118 है। इसमें CRPC की अलग अलग धाराओं में निरुद्ध लोगों की संख्या 38 है। ऐसे में मीसा, DIR बंदियों और CRPC निरुद्ध बंदियों की कुल संख्या 1,200 के आसपास है। इस संख्या में वह आंकड़ा भी शामिल है जो मीसा, DIR और CRPC की अलग अलग धाराओं में 30 दिन से भी कम समय तक जेल में बंद या निरुद्ध रहे। अब तक क्या हुआ इस पर नजर डालें तो राज्य सरकार में इन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा जाने लगा, तो इनकी पेंशन का नाम लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि रखा गया। पहले इन लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 12,500 थी, जो अब बढ़कर 20,000 हो गई थी। पहले चिकित्सा भत्ता 1,250 मिलता था, जिसे बढ़ाकर 4,000 कर दिया था। रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा का भी प्रावधान किया गया था। नियम बदलने के बाद आपातकाल में CRPC में 25 जून 1977 से मार्च 1977 तक जो रहे निरुद्ध या बंद, उन लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन का प्रावधान BJP सरकार में किया गया था। CRPC की 107, 116, 151 धारा में रहे बंद या कम से कम एक माह तक निरुद्ध रहे, उन्हें पेंशन और मेडिकल सुविधा दी गई थी। इसके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन हुआ। संशोधन अनुसार मौजूदा या पूर्व विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य से सत्यापन अनिवार्य किया गया, साथ ही गलत शपथ पत्र दिया तो पेंशन निरस्त होगी, ऐसा करने पर सारी राशि वसूल होगी। यह प्रावधान BJP सरकार में किया गया था। करीब 1.5 दशक से ज्यादा समय से एक सरकार से दूसरे सरकार में पेंशन और अन्य सुविधा बहाली और बंद करने की परंपरा बदस्तूर कायम है। भाजपा सरकार में यह संशोधन भी मंजूर हुआ था कि राजस्थान का मूल निवासी पेंशनधारी हो और राज्य के बाहर की जेल में हो तो पेंशन लाभ मिलेगा। अनुमानित खर्चे की बात करें तो CRPC के निरुद्ध व्यक्तियों को शामिल करने पर पेंशन और चिकित्सा भत्ते का खर्चा 30 करोड़ है। वहीं इसमें सरकार का 18 करोड़ का पहले का बजट था। इन्हें रोडवेज सुविधा देने का खर्चा 50 लाख माना गया है। करीब 50 करोड़ तक का सरकार पर खर्चा आ सकता है। लोकतंत्र सेनानियों की मांग के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों की तर्ज पर लोकतंत्र सेनानियों को सुविधा मिले। स्वतंत्रता सेनानियों को प्लॉट की सुविधा, परिवहन और यात्रा की सुविधा, राजकीय समारोह में आमंत्रित करने की सुविधा के साथ अन्य सुविधाएं हैं। राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि की मांग, UP की तर्ज पर राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि हो।
माना जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों की तर्ज पर सुविधा देने को लेकर प्रावधान संबंधी तकनीकी पेचीदगी और विसंगति बढ़ने की आशंका के चलते फिलहाल यह बिल टाल दिया गया। माना जा रहा है कि लोकतंत्र सेनानियों में पुराने राजनेता होने के चलते उन्हें स्वतंत्रता सेनानी जैसा दर्जा देने की मांग शोर पकड़ने लगी थी, इसलिए इस बिल को लेकर सरकार पशुपेश में आ गई। बार बार अपनी सुविधाएं छीनने से तंग आ चुके लोकतंत्र सेनानियों के लिए बिल ही वह जरिया था जिससे वे अपनी सुविधाएं बहाल रख सकें, लेकिन यह बिल को नहीं रखे जाने से अब उनके मन में मायूसी छा गई है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।